फंसा गया है, क्या कुछ कहेंगे बेस्ट फिल्म मेकर के तौर पर आपको नवाजा गया है? नहीं नहीं समझा, आपको नवाजा गया है अवार्ड से, क्या कुछ कहेंगे बेस्ट वुमेन फिल्म मेकर? एज अ वुमन मेकर आई विल फील आई एम वेरी प्राउड एंड मेरे को आई वॉन्टेड टू डू द सिनेमा, आई वॉन्टेड टू आई एम अ पैशनेट एक्टर ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम आई वॉन्टेड टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ फिल्म विच विल मेक सोसाइटी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन. आई एम माई सेल्फ इज गायनेकोलॉजिस्ट, सो आई एम वेरी प्राउड, आई फील वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो फॉर गेटिंग दिस रिवॉर्ड. सबसे पहले तो सबको गुड इवनिंग. ये अवार्ड मिला है, हमारी अपकमिंग गुजराती फिल्म आ रही है जिसका नाम है सप्तरंग, और ये अवार्ड मिला है बेस्ट स्टोरी हमारे राइटर एंड डायरेक्टर के मकवाना को. सो बस मैं उनके बिहाफ में ये अवार्ड लेने आया हूँ. आई एम एन एक्टर इन दिस फिल्म, मैंने भी एक्ट किया है इस फिल्म में. सो वो लोग आ नहीं पाए तो आई एम कलेक्टिंग दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ माई राइटर एंड डायरेक्टर के मकवाना, माई प्रोड्यूसर शंकर एल जट, एंड ईच एंड एवरी एक्टर टेक्नीशियन, सबको थैंक यू. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू टू भारत इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इस अवार्ड से नवाजा. तो थैंक यू एवरीवन. हमारी फिल्म बहुत जल्दी सिनेमाघर में आ रही है, बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, बहुत ही मेहनत की है इस फिल्म में. सो पहला अवार्ड है हमारी फिल्म को और आई होप कि आगे चलकर हमें और भी अवार्ड्स मिले. तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर. थैंक यू सर. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मेरी पहली फिल्म है और मुझे बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ. और इस तरह के अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं एक्टर के लिए? ये एक एक्टर के कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल है, एक उसके कैरियर के एक स्टेप है, एक सीढ़ी है जो एक कदम आगे बढ़ गया है. बोलिए क्या कुछ करने इसके अलावा? मैं भी एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि अंडर प्रोसेस में है. सर हाल ही में आपको इंडियन अचीवर का अवार्ड मिला, उसके बाद ये अवार्ड कैसा फील किया, क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं, नंबर के पीछे मैं कभी नहीं दौड़ा हूँ ना कभी दौड़ूंगा, लेकिन लोगों ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने जिस विश्वास से मुझे बोल दी भेजा था, उस विश्वास को और प्रामाणिकता से काम करने के पश्चात जो सभी के सामने लगातार पिछले 3 वर्षों से मैंने जो काम किए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम मैं कभी भूलूंगी नहीं, क्योंकि ये रियल स्टोरी पे भी है, ये महसूस किया है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चलती है, तो उस पर फिल्म बनाना भी चाहती थी मैं, तो बना पाई और भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे सराहा गया, ये मेरी खुशनसीबी है. जी मैं बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ कि भारत जो अवार्ड फंक्शन कराया गया है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज का जो टॉपिक हमारा कवर हुआ है मेंटल और वेलनेस स्ट्रेस के ऊपर, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि इस टॉपिक को अवेयरनेस करें कि हाउ मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंगली टू योर फिजिकल हेल्थ. जितनी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उतनी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म हु हैज गिवन मी दिस चांस टू गिव अवेयरनेस ऑफ दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. ये जो फिल्म है ये इन्होंने लिखी है, ये जो मीडिया में आज के तारीख में हो रहा है कास्टिंग काउच होता है, ये बाकी के जो जो गाँव से नई लड़की आती है उनको जो एब्यूज़ किया जाता है उसके बारे में ये फिल्म है, उस हिसाब से उन्होंने वो फिल्म लिखी हुई है. ये हाँ ये उस फिल्म के राइटर है, तुम्हें सांग है? ये फिल्म का राइटर मैं हूँ, मेरा नाम सत्यवान नाइक फ्रॉम गोवा. तो मैंने यहाँ आके 4-5 साल में देखा कैसा क्या हो रहा है, वो इसमें मुझे थोड़ा सा दिमाग चला कि मैं एक ऐसा ही एक फिल्म करूँगा. तो ये फिल्म के लिए मुझे बहुत तकलीफ पड़ी है, लेकिन मैंने बहुत तरफ से अच्छा ये किया बेटा, अच्छी तरह इन्होंने ये फिल्म लिखी है. ये फिल्म के राइटर है सत्यवान. ये फिल्म हो गई रिलीज मई में, और ये फिल्म का जो थीम है
ये आज की इंडस्ट्री में जो मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, लड़की जो गांव से आती है, बहुत से लोग हैं वो गांव से आते हैं बॉम्बे में हीरोइन बनने के लिए या हीरोइन बनने के लिए, तो उसको कैसे अब्यूज़ किया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। और आज इंडस्ट्री में ऐसे भी बहुत से डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो फिल्म नहीं बनाते, सिर्फ फिल्म के नाम पे लड़कियों को, लड़कों से पैसा हते जाती है और उनको कैसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं, ये सब ये फिल्म में दिखाया गया। जी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एक्चुअली कल ही पता चला कि ऐसा मुझे अवार्ड मिला है। आई वुड लाइक टू थैंक दिस फेस्टिवल फॉर गिविंग मी अवार्ड। बहुत अच्छा लग रहा है बीइंग अ बेस्ट, बीइंग अ डेब्यू फिल्म मेकर, डेब्यू डायरेक्टर, कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या विशेष कहेंगे आपकी, आपको अवार्ड मिला, क्या क्या फीलिंग है? नहीं, फीलिंग तो बहुत अच्छी है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू भारत इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कि उन्होंने लॉलीपॉप को कंसीडर किया अपने फिल्म फेस्टिवल में और बेस्ट शॉर्ट फिल्म का भी अवार्ड दिया। सो आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि जो हमने मेहनत की थी इतने दिनों से तो उसका फल देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। सो वी आर फीलिंग हैप्पी। थैंक यू सर। विक्रांत मौर्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस तरह का प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहे हैं जिसमें लोग आगे आ सकते हैं, अपनी फिल्म दिखा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से फिल्म को किया जाए वो हम मतलब इसकी लिटरेसी वो बिल्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस फिल्म को हमने इतनी मेहनत से बनाया, इतना मन लगा के बनाया, उसको उन्होंने कंसिडर किया। दिस इज़ द कंसिडरेशन ऑफ द टीम विच शुड बी क्रेडिटेड एंड द लेबर ऑफ माई टीम विच शुड बी क्रेडिटेड। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। यस, मुझे भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है मेरी फिल्म को। इसको मैंने ही प्रोड्यूस की थी और डायरेक्टर रिटर्न भी मेरे द्वारा थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह के फेस्टिवल्स हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को बहुत ज़्यादा सराहना देते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं ताकि हम अच्छी सच्ची तरह की फिल्में बना सकें और लोगों के सामने ला सकें। और जैसा कि सर ने अभी भी बोला कि वो आगे के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का जो मुझे इस अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, मैंने एक मूवी बनाई भ्रूण हत्या के ऊपर, घूंघट, जो कि आप ज़्यादातर आपने न्यूज वगैरह में पढ़ा भी होगा कि मेरे नॉर्थ साइड में खासकर हरियाणा में क्या है कि लड़कियाँ कम होती हैं और लड़के ज़्यादा होते हैं तो उनकी शादियाँ नहीं हो पाती। तो उसी तरह की एक कहानी है कि एक गाँव है कि वो भ्रूण हत्या करवा देते थे और वो गाँव पूरे एरिया में बदनाम हो गया और उस गांव में शादियाँ नहीं हुई। तो उसी के ऊपर एक एक कहानी मैंने कॉमेडी उससे वे में बताने की कोशिश की और एक सामाजिक मुद्दा उठाया, उसी के लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया। और मैं इस अवार्ड के लिए अपनी जितनी भी मेरी टीम थी घूंघट की और स्टेज ऐप की, जहाँ पे अभी ये ओटीटी स्टेज ऐप जहाँ पे ये अच्छी खासी चल रही है, लोग काफ़ी पसंद किया है। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मेंटल हेल्थ एंड ऑन द डायस इन डिपार्टमेंट हमको अवार्ड भी मिला, क्या कुछ आज सीखा या क्या कुछ सीखने को मिला, क्या डिबेट हुआ उस बारे में? मैं इस मेंटल हेल्थ थेरेपी में 10 साल से हूँ एंड ओवर द टाइम जो मैंने देखा है, पीपल आर ओपनिंग अप नाउ। अभी सब बैंड वैगन, कोविड के बाद तो सब बैंड वैगन में चढ़ गए मेंटल हेल्थ, बट वो जो रेशियो है ना, बहुत कम लोग खुल रहे हैं। और टॉकिंग अबाउट टुडे, आई डिड माई पार्ट टॉकिंग, रीचिंग आउट टू पीपल। आई एम श्योर यार 60, 70, 80 लोगों में 4 लोगों को तो गिल्ट खाएगा एंड सम ऑल दोज 4 पीपल विल वर्क टूवर्ड्स देयर मेंटल विद हूएवर दे वांट। यू डोंट नीड टू कम टू मी, यू कैन गो टू हूएवर यू आर कंफर्टेबल विद, समबडी हु डजंट टेक अ जजमेंट ऑन यू, बिकॉज पीपल आर टायर्ड ऑफ इवन अवर फैमिली इज टेकिंग जजमेंट्स। वी डोंट वांट दैट, बी नॉन बायस्ड, बी ट्रांसपेरेंट, Talk, reach out. It is, you know, when I was talking to Vikrantji, when he
the reason he's called me also over here is my therapy, I equip you to be independent. It's not that aajo and you know, let's do this, khatam karo baat and aage. 10 saal se meri first student ab tak mujh mere saath phone pe hi hello. And last time, in fact, I say this on all platforms, they mentioned a word called suicides. 5.5 years, I have helped, I take this as a pride, 29 youngsters up to the age of 35, from 16 to 35, change their mind, no suicidal thoughts, they are busy working, studying, working. So I think, and coming over here, getting this, through your channels, I'm sure it will go to a lot of people. Take care of your mental health, because life is beautiful. It's only we who complicate it. Yes, sir. Okay. Hi, good evening to everyone. So my name is Lalit. I'm from Hyderabad. So my movie Inko Coffee got best experimental cinema. So the movie deals with a lot of delicate issues. It's a story about a guy who's divorced and who has never had a companion in his own life. So within one year of his marriage, he gets divorced. And what is the state of mental health? So what is the state of a guy who had never had a companion in 30 years of his life? So he starts imagining things. Then he meets a person. So he decides to recreate moments which he missed out in his life with someone. So how the things come out. Beautiful. So this movie was awarded best experimental cinema. So I'm thankful to the jury and all the media persons and the organizers who selected this movie. So I hope people watch the film whenever it comes out on OTT platforms. And thank you so much for your time. Thanks to each one of you. Thank you. Thank you so much, sir. I'm really excited that my film has won the best fictional feature film, and I really want to thank the organizers of Bharat International Film Festival for this wonderful opportunity. I'm feeling very elated because it's a great encouragement for filmmakers who are trying to make films which are a little different, and getting an award is, you know, clears some of the self-doubts that sometimes artists go through, and I am really thankful and grateful to all the people who organized this, you know, and that's what I'm feeling about this. And about my film Mithyam is a story about a doctor in a small town that figures out that the mercury contamination cases that's happening is because of an international company which is also the biggest employer in town. And it is a tussle between a young doctor and an international company and how that clash leads out. It's loosely inspired from true story which happened in Kodaikanal, the Kodaikanal mercury poisoning case, and it's also inspired from a very popular play called Enemy of the People by Henry Gibson. So yeah, thank you so much, I'm very excited. My name is Sumit Das, I'm the principal of Dilkan International School, and last 23 years I'm as an educationist. I'm the awardee of Dr. APJ Abdul Kalam Award, Dr. B.R. Ambedkar Award, as the most prominent educationist in the society, as a national award. And what I want to say about the society, like, you know, we had been doing a campaigning for the orphanage students also, and it's called as a Joy of Giving. And in this campaign, we try to help the orphanage children who are very desperate and very unfortunate in their life. And we create awareness among the students that they are very fortunate, you know. They are getting everything, all the comfort of the life. But to create that emotional attachment with the those students who are very unfortunate in their life. Secondly, we did a campaign about the old age house, where students were taken to the old age house, and we did a cultural program. Our students did a cultural program for them, and plus to create that why these old people are at the old age house, and to create that respect for the parents. You know, nowadays what we see
the children have become very arrogant and very stubborn. They don't listen to the parents. And because of that reason, like, we thought, like, you know, we create a value system in our with our students and get a respect for the parents. This is all basically to create a life skills in the students' life to face the challenges. Plus, we have different activities which promotes the creativity and the critical thinking among students. Recently, according to the National Education Policy, the life skills has to be incorporated in the formal education system. So we are trying our best, and I'm very thankful to Vikrant More sir and its group for inviting me and for recognizing me for this prestigious award, and I'm really very thankful for the organization also. Thank you so much. We are very proud and very happy to get this iconic Bharat Gaurav Puraskar. This is hum log ka 401 award hai. The movie has in 7 World Book of Records. Hame kal India Book of Records mein bhi plus World Book of Record mein bhi aaye hai. To ye movie Oscar mein bhi gayi thi. We've got 400 international awards, so I'm very happy to get ek aur award iske upar mein. These people are doing a fantastic job. Ye film festival itna mahatva rakhta hai. Main dekh raha hu short films aur feature films jo alag alag topics pe bani hai, unko aap support kar rahe ho, and it's fantastic to attend this film festival. I'm so happy and proud to be over here. Thank you very much. Sir, tell us about your award. Kya kahenge aap? Bahut acha hai aur main paryavaran kshetra se sambandh rakhta hu. मैंने 15 वर्षों से लगातार देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक भागों में अनेकों हजार वृक्षारोपण करके उसका संवर्धन कर रहे हैं. जैसे कि 42,000 से ज़्यादा मैंने वृक्षारोपण करवाया और उसका संवर्धन कर रहे हैं. जैसे कि रोड साइड, नदी के साइड, तालाब के साइड, यहाँ पर हमने वृक्षारोपण करवाया है. और अब तक मुझे 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम रजिस्टर करके विश्व रिकॉर्ड का सम्मान मिला. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अभी मेरा नाम रजिस्टर्ड हुआ है. ऐसे ही अनेकों अभी तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है. 2021 में मुझे भारत भूषण का सम्मान मिला. ठीक है, तो हर एक से मैंने यही अनेकों मंच से मैंने लोगों से आह्वान किया कि आप जब जन्मदिन अपना मनाते हो तो अपने अपने हिसाब से सब खर्चा करते हैं जन्मदिन के ऊपर. एक वृक्षारोपण कीजिए अपने नज़दीक में, उसका देख रेख कीजिए, और फिर इस तरह अगर हम अपना मानसिकता बना लिए तो हमारे देश में पर्यावरण की कोई कमी नहीं रहेगी. और आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों से यही आह्वान करूंगा कि सब अपने अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाए नज़दीक में और उसका संवर्धन करें. थैंक यू क्या कहेंगे सर आप? दिस मूवी कैरिंग द गॉड विद इन इज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय माय डॉटर. आई हैव सर्टेन फ्यू लाइंस फॉर माय डॉटर एंड आई वुड लाइक टू रीड देम. Carrying the God Within is a short film that presents the nostalgia felt by every Indian who moves abroad to seek better opportunities. The film aims to evoke the feelings of an Indian ethos and omnipresence of mothers. The heart of the movie is carrying a mother's love with you. It is heartfelt dedication to mothers who must feel like a piece of their heart is gone and yet love with love and faith. Now about me as to how I am feeling about the movie. I feel proud of my daughter. This is her debut filmmaking project and it has been praised and loved worldwide. It has received a lot of critical acclaim and has struck a chord with NRI families globally. She made this happen with minimal resources and budget. This proves that a good script is the soul of a movie. It is a silent movie and yet it speaks for itself. And that is the power of storytelling. And lastly, about the inspiration, my daughter had a vision that any person who has moved out of their home, be it state or a country, be it living in Congo or Coimbatore,
is able to relate to the protagonist in a short film. That was one of the main inspirations behind making this silent film. She wanted to transcend the barriers of language, that you don't need words to be heard. Thanks a lot for giving me this opportunity to read a few lines from my heart as well as from my daughter. Hi, myself Ravindran. First of all, I would like to thank my family who have been supportive throughout this filmmaking process. This documentary, I had taken nearly 5 years to do this documentary. I would ask you why, because of the coffee industry. I had to show an in-depth process, I didn't want to skip any step of it. And talking about coffee industry, the people who had helped me in this film, a lot of the coffee planters and the estate owners who have been in Chikmagalur, who had been in this process of making this film. Why do I need to make this film is just to show the process, like you might be having coffee which is in having from Brazil, Vietnam, the foreign countries coffee you might be having everywhere, and what is this coffee difference? The difference we have is our coffee grows on slopes. There are no vegetation, you can fence these places or any of this stuff. This coffee which is grown is totally grown in shade grow and totally dependent on rain and also the weather factor. Whereas in Brazil and Vietnam, it grows on flat lands where they can cover these coffee plants in shade grown or whatever they need to burn. But here it's totally dependent on animals and plants and how these coffee planters work on these areas and the coffee to make. The 1 year process it makes for you to have a cup of coffee takes 1 year of it. And to shoot in that also took us like 6 seasons to shoot this coffee process. And at the end of the day, I would say the 5 years work which I put, I totally dedicate to the coffee planters of Chikmagalur. And thank you for the iconic award festival for giving this opportunity and Mumbai recognizing this film also. And thank you very much. Thank you, sir. Thank you. बहुत मैं पहले सबसे पहले मैं भारत आइकॉनिक प्रोसेसर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अच्छा और मुझे मतलब मेरा ये डेबिट प्रूफ फिल्म है एज अ डायरेक्टर लूडो क्वीन करके है हॉरर शॉर्ट फिल्म है ये और इनकी स्टोरी है वो अमृता जी ने लिखी अमृता देवदा जी ने जिनको फ्रेंच फ्राइज के लिए डायरेक्टर का अवार्ड मिला है उनको और ये फिल्म मतलब मेरा एक ख्वाब था कि मैं हॉरर फिल्म डायरेक्शन करूँ क्योंकि मैंने हॉरर फिल्म के मैं एक्चुअली बेसिकली फोटोग्राफर हूँ और 25 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ अभी भी और ये शॉर्ट फिल्म का मेरा जो ये जो मेरा अटेम्प्ट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट है और मुझे गामा फाउंडेशन ने उसके लिए मुझे ये चांस दिया कि आप ये शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करो करके तो मैंने लूडो क्वीन का डायरेक्शन करने के लिए मुझे गामा फाउंडेशन ने बहुत अच्छा ये मौका दिया मुझे सर मुझे तो ये अवार्ड दिया है बेस्ट मोटिवेशनल सिनेमा सर ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है आई एम हैप्पी एंड नर्वस आल्सो बिकॉज इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ा बिकॉज मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो दैट्स वाई फिर भी मैंने डॉक्यूमेंट्री में पार्टिसिपेट किया है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो बहुत कुछ ऐसे हमको सिखाया है जिसके कहने पर मतलब राज्य घटना जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है उनके इस पे ही हम चल रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा था कि कैन आई स्पीक इन मराठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलं होतं की शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे तर ते दूध जर सर्वांनी मतलब टीनेजरनी किंवा आजची जी युवा पिढी आहे त्यांनी जर हे त्याच्याकडे सगळ्यात जास्त जर लक्ष दिलं तर ते सगळ्यांसाठी खूप 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 बहुमोलाचे असेल असं मला वाटतं कारण आज एज्युकेशन तर आपण घेतो आहे पण कोणत्या क्षेत्रामध्ये घेतो आहे काय घेतो आहे आज आपण कॉलेजमध्ये जातो तर आपण फक्त बंक मारतो एन्जॉय करतो पण ते एज्युकेशन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिलं आहे त्याचं आपण भान ठेवलं पाहिजे कशासाठी दिलं आहे का आपण फक्त एज्युकेशन जॉबसाठी नाही करत आहे तर ते आपली जी वागणूक आहे आपली जे बिहेवियर आहे त्याच्यातून ते दिसून आलं पाहिजे अम्बेडकर वन मैन आर्मी ये अवार्ड हमको मिला हम लोग बहुत खुश है हमने भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर इनके माहिती और कार्य का
देने की थोड़ी सी कोशिश की है, हम लोग उसमें सफल हो गए, हम लोग खुश है, हमारा टीम भी खुश है। थैंक यू सर। ये अवार्ड पाके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारी टीम जिसमें डायरेक्टर इम्तियाज़ सर है वो आज नहीं आ पाए, जो मेरे साथ लिखते हैं अविक सर वो भी चलो नहीं आए, मेरा प्रोड्यूसर मेरा दोस्त वेदांत आया, जो हमारे DOP थे डॉक्टर गोगोई, प्यार से हमको जनार्दन गोगोई जो है हमारे डॉन भाई बोलते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट आया था उसका कि एक पल दुनिया कैसे बदल सकता है किसी आदमी की, तो जब हमको वो पता चला कि इसके ऊपर हमको फिल्म बनानी है, फिर उसको कंसीव से लेके लिखने तक, लिखने के बाद शूट करने के बाद निकालने तक, और इतनी लोगों को पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है हमको काफ़ी, तो प्लेटफॉर्म पाके ही बहुत अच्छा लग रहा है, उतना ही हमारे लिए काफ़ी रहा। थैंक यू सो मच। करने के लिए मैंने राइटिंग किया और प्रोड्यूसिंग मैंने किया, तो क्या होता है ये पिक्चर मुझे ही प्रोड्यूस करना चाहिए था बेटा, और इसमें मुझे नए कलाकारों को मैंने चांस दे दिया है, और एक नई कलाकार वो घर से ही उसको सिलेक्ट करके, मैंने घर से ही बात करके उसको सिलेक्ट करके उसको हीरोइन बना दिया, और मुझे एक इच्छा थी, मुझे एक बहुत बचपन से इच्छा थी कि मैं एक पिक्चर बनाऊंगा, तो अभी थोड़ा पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे, अभी थोड़ा बन गया, इसके लिए मैंने एक बहुत तरफ से एक पिक्चर कैसा ही करके बना दिया, लेकिन मैंने अच्छी तरफ से बना दिया है, मैं कुछ कम नहीं किया किसी को भी, और अच्छी पिक्चर बना दिया, मैं सब मेरे कलाकारों ने सभी ने अच्छा काम किया, और मेरा डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया, और थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, बिकॉज हमारे स्टूडेंट लेवल पर फिल्म्स करना और रीजनल फिल्म्स करना, रीजनल शॉर्ट फिल्म्स करना, उन्हें मार्केट में ले आना, लोगों तक अपना सब्जेक्ट पहुंचाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं, ऐसे सम्मान मिलता है, तो अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है आगे काम करने का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारी फिल्म डोबिया एक रीजनल टॉपिक पर डिपेंड है कि आज इंडिया के ऑलमोस्ट हमारे सारे गाँव में डेवलपमेंट बहुत हो चुका है, एंड वी हैव समवेयर लॉस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द थिंग्स, सो इसी चीज़ पे वी वांटेड टू से, सो वी हैव डन गुड अटेम्प्ट ऑन दिस, सो थैंक यू सो मच। वील रिक्वेस्ट एवरीवन कि जब कभी जिस भी फेस्टिवल में विल बी स्क्रीनिंग, विल डेफिनेटली अपलोडेड ऑन आवर पेज, तो जिन्हें भी पॉसिबल होगा प्लीज़ विजिट टू द थिएटर्स एंड सी आवर फिल्म। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। तो मुझे अवार्ड मिला, वो मैंने एजुकेशन फिल्म माना, वो मेरा एक ही कहना है क्या, जो इतने सारे चाइल्ड लेबर काम करता है मेरा पूरा कंट्री में, वो चाइल्ड लेबर आता कहाँ से, उसके पीछे किसका हाथ है, उसका फैमिली का या तो हमारा देश का सरकार का, सिर्फ एक ही है चाइल्ड लेबर कहाँ से किए हो, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम और दूसरा कुछ। थैंक यू। सबसे प्रणाम, मैं विक्रम रवानी झारखंड से हूँ, रीजनल सिनेमा बेस्ट एक्टर अवार्ड तुमको दिया गया है, हमारी क्षेत्रीय भाषा खुट्टा में जो झारखंड में मतलब बोली जाती है, उस बेस पे विक्रांत सर को यहाँ बुला के और बेस्ट एक्टर अवार्ड का दिया गया है। अभी किस तरह की आ रही है आपकी? अभी अपकमिंग मूवी मेरी है राहें एक डहर, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा खुट्टा में झारखंडी भाषा में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पहला अवार्ड, पहली फिल्म है तो पहला अवार्ड है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा कहना चाहूँगी एज ए प्रोड्यूसर, जैसे मेरे पास स्टोरी है, मैं तो एक राइटर भी हुई है, इसका मेरा स्टोरी पे बने हैं ये फिल्म, लेकिन मेरे पास ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए पैसा नहीं था, तो फिर लेकिन मुझे ये करना था, तो फिर मैंने लास्ट वन ईयर से अपने सोसाइटी में होम डिलीवरी किया, मैं खुद खाना बना के, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ 30 ईयर्स से, तो मैं खुद खाना बना के होम डिलीवरी किया, फिर एक साल में मैंने जो पैसे इकट्ठे किए उसी में मैंने ये फिल्म बनाई, तो वो भी काफ़ी नहीं था। तो मैंने एक मज़े की बात ये है कि एक फिल्म की कि इसमें सारे जो एक्टर्स हैं सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि बाहर से मैं अगर एक्टर लाऊँ तो उनको मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ एक ही आर्टिस्ट बाहर से लिया था, बाकी और मेरी बेटी, दामाद, मेरी दीदी, मेरी जीजा, मेरे बेटा, सब लोग, इवन मैंने जब एक का और चाहिए था तो मैंने मेरे डायरेक्टर को बोला कि आप ही कर दो वो रोल भी, और पैसा नहीं है मेरे पास देने के लिए। तो ये पूरा फिल्म 24 मिनट्स का है, एक दिन में शूट किया क्योंकि पैसा बचाने के लिए, कि तो एक दिन पूरा दिन शूट किया, और फिर बस ये
नेक्स्ट ये अच्छा लगा तो ब्राज़ील फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्शन हुआ इसका। अभी मुझे जैसे भारत आइकॉनिक अवार्ड मिला, अभी इंडो बांग्ला फिल्म फेस्टिवल में भी है वो 26 फरवरी को, उसमें भी ये फिल्म का अवार्ड मिल रहा है, तो बस गॉड इज़ ग्रेट। पुरस्कार जो मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और यह अवार्ड मुझे नहीं मेरे पूरे टीम को मिला है, जो मेरा पूरा टीम है रक्षक चैरिटेबल ट्रस्ट, और हम लोग जाकर स्लम में काम करते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे, मेरे को तो सवाल ही समझा नहीं सर आपका। सवाल ये है कि आज आपका फंक्शन काफी हाई लेवल पे था, काफी लोग आए अलग अलग देशों से, हाँ। कितने वो काफी खुश थे, तो आप कितने खुश हुए? क्या है कि जो सामाजिक मुद्दे पे जो काम करते हैं, ये मुझे खुशी इस बात की ज्यादा हो रही है ना, क्योंकि ये कोई सोशल वर्क नहीं है और ना ही कोई सोशल के लिए, लोग बोलते हैं कि मैं सोशल वर्क करता हूँ लेकिन सोशल वर्क नहीं है, एक्चुअल में ये है कि हम हमारे समाज के लिए, जैसा हम हमारे घर को साफ कर सकते हैं वैसा हमारे सोसाइटी को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि आए दिन सरकार जो भी जैसे कि कोई पाकिटमार की बात करते हैं, कोई मर्डर करने वाले लोग हैं, तो वो सिचुएशनल उनके हाथ से कुछ हो जाता है, ठीक है, उनके लिए उसको सजा तो दे देती है, लेकिन वो जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि अभी हम लोग ने हाल ही में जिनको अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गोली के नाम से पहचाना जाता है, डैडी के नाम से पहचाना जाता है, उन्होंने अभी हाल ही में जेल के अंदर 80 में से 76 मार्क्स मिले गांधी जी गांधीगिरी के ऊपर, उन्होंने जो अचीवमेंट किया उनके लिए सरकार ने कोई इनाम नहीं दिया, ना उनको अप्रिशिएट किया। मीडिया वाले ने इस चीज़ को उछाला क्योंकि उनका नाम फेमस है, क्योंकि लाइक्स चाहिए थी, टीआरपी चाहिए थी, उन्होंने जो कुछ भी बाय मिस्टेक उनके हाथों से हुआ जीनों की जद्दोजहद में, उसके लिए सरकार ने उनको सजा तो दे दी, लेकिन उसका क्या जो उन्होंने अच्छा काम किया है, तो ये हम वही काम कर रहे हैं। आज मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आपने बात की, वो कैसा रहा सर? देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेंटल हेल्थ को लेके अगर कोई डॉक्टर के पास, जैसे दांत खराब होता है दांत के डॉक्टर जाते हैं, आँख खराब होता है आँख के डॉक्टर जाते हैं लोग, लेकिन दिमाग के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है ना तो उसको लोग पागल करार देते हैं, तो ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा को हमारे फेस्टिवल के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की है। किस कैटेगरी में अवार्ड मिला और कितने लोगों को दिया गया? अभी तो हम लोग ने 26 राज्यों में से लगभग 60 लोगों को हम लोग ने ये अवार्ड से सम्मानित किया है, भारत गौरव पुरस्कार, आइकॉनिक भारत गौरव पुरस्कार एंड भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मतलब जैसे कि कुछ फिल्म मेकर्स भी थे, कुछ डॉक्टर भी थे, अलग अलग कैटेगरी में आपने दिया, उस बारे में जरा बताइए। सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे वो, भी मैं बाकी लोग भी थे। हाँ, क्योंकि क्या है कि फिल्म मेकर के अलावा ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से सोशल के लिए काम किया जाता है, जैसे कि सर मेरे साथ में है ये वर्कर के लिए काम करते हैं, जो माथाड़ी कामगार है, जो समझे कारपेंटर है, सुधार है, उनके कहीं जगह पे पेमेंट फंसते हैं, पेमेंट नहीं देते, और बेचारे वो गरीब तबके से लोग आते हैं, वो ना कुछ रिएक्ट कर पाते हैं ना अपनी हक की लड़ाई लड़ पाते हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ते हैं ये लोग, तो उनके लिए इनको फेलिसिटेट किया है। आप इनसे भी पूछिए। जी सर प्लीज़ आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे सर। मैं अभी जो सर जी ने कहा कि अरुण भाई गवली जी, मैं उनके तरफ से काम करता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ जो कामगार लोगों के लिए, मतलब उनका जो रिएक्शन है कि बोलते हैं कि ये डॉन है या कुछ भी हो, लेकिन उनका एक अच्छा ही भी है कि वो अच्छा ही को पकड़ के मैं आगे चल रहा हूँ, और आगे चलते हुए जो कामगार लोगों को जो भी हेल्प लगती है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब ग्राउंड लेवल पे जिनके पास इधर से प्रॉब्लम आ रही है वो हो गई, या फिर लेबर कमिश्नर के पास हो गया, या फिर माथाड़ी बोर्ड में जो उनके जो अध्यक्ष वगैरह बैठते हैं उनके पास जाके उनकी प्रॉब्लम्स बताना, उनकी प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करना और उनके सॉल्यूशन देना, ये सब बातें उधर की जाती है। और मैं ये जो मोरे सर ने जो मुझे आज सम्मानित किया है, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, कल से मैं और जोर से काम करूँगा और लोगों की और मदद करूँगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कामगार रहते हैं यही रहते हैं कि हम लोग को नीचे से सपोर्ट करते हैं, हमारे ही काम करने वाले वर्कर हैं और हम में से एक हैं, तो इसलिए मैं और जोर से काम करके ये इंस्पिरेशन मिलता है।
थैंक यू। आप क्या कुछ कहेंगे इस अवार्ड के बारे में जो आज ऑस्कर लेकर आए थे? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि आपके थ्रू ही आप ही एक मीडियम है जिसके थ्रू हम पब्लिक तक पहुंच सकते हैं। आप हमारे इवेंट को कवर करने आए, थैंक यू सो मच। और इवेंट की बात करूं तो किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करना हमेशा अच्छा लगता है, या लेना या देना, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे फिल्म मेकर्स को, या फिर आप आर्ट कैटेगरी की बात करें, सिनेमा कैटेगरी बात करें, तो उनको अवार्ड देके बहुत अच्छा लगा और फाइनली हमारा इवेंट काफ़ी अच्छे से हो गया। और इसके लिए मैं सर का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर की सोच हमेशा यूनिक रहती है, तो उसी यूनिक में सर ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर बहुत सारे फिल्म मेकर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपने सोच को एक दूसरे से अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं और पब्लिक तक भी अपनी मूवी को पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर को और आप सबको। आगे किसका क्या बहुत जानने वाले सर बता सके आपकी तरफ से? क्या सर, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, आप क्या कुछ करने वाले हैं? अभी आने वाला जो हमारा इवेंट है वो तो मुंबई फिल्म बाज़ार है, जिसके अंदर हम उन सारे फिल्म मेकर से प्रॉब्लम सॉल्व करें, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे उसको लोगों तक पहुंचाने की बात हो, थिएट्रिकल रिलीज़ की बात हो, चाहे टेक्निकल चीज़ों की बात हो। तो हम लोग इंडस्ट्री से टॉप लेवल के लोगों को इनवाइट किया है। ये 3 दिन का फेस्टिवल है जो 28, 29 और 30 तारीख को मुंबई में किया जाएगा और इसके अंदर 120 फिल्में स्क्रीन की जा रही है और साथ ही साथ इसके अंदर 27 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि जूना सिनेमा केवल एकदम मतलब उसका कम होते जा रहा है और जिंदा जिंदा रख रहे हैं, इसके लिए उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सब वो ऐसे करते रहेंगे, उनको भगवान से हम प्रार्थना। थैंक यू। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। मेरे 4 बुक्स आए हुए हैं, मुझे एज ए ऑथर ये जो आइकॉनिक अवार्ड मिला है मैं उनका एक तो थैंक्स उनको बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये एक स्टेज ऐसा कि सबका सम्मान यहाँ पे होता है और अगर ऐसा सम्मान होते तो लोगों में भी काम करने में आगे ज़्यादा स्फूर्ति मिलती है, इसलिए उनका धन्यवाद। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू आइकॉनिक भारत पुरस्कार एंड विक्रांत मोरे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंसिडरिंग अस फॉर दिस अवार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कलाकार के लिए पैसे से ज़्यादा एक रिकग्निशन जब भी मिलता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर परफॉर्मर। सो थैंक यू अगेन फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर विक्रांत मोरे सर आणि त्यांनी आम्हाला ही संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचं धन्यवाद। मी मोहम्मद रफींची गाणी बऱ्याच ठिकाणी बोलतो आणि त्याच्यातून लोकांचं करमणूक करतो, परत मी ॲज अ सोशल वर्कर पण आहे, सोशल ॲक्टिव्हिटीज पण राबवतो काही बऱ्याच ठिकाणी आणि त्या माध्यमातून सेवा करण्याचा प्रयत्न करतो।